नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, देखो पहली बात तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, चाहे आप सीधा उसको मल्टीप्लाई करो चाहे आप उल्टा उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आए। एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर आके वो कम्यूट कर जे, ठीक है, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आंसर में मिले, बट नहीं, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर को जब आप उल्टा करते हो, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर को जब आप उल्टा करते हो, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और जब डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो वेक्टर हमारा नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। और जब नेगेटिव वेक्टर बन गया तो माइनस का साइन आगे लग जाता है। तो कभी भी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ओके। और जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, होगा ये कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस के इक्वल है, बोला ना कि नेगेटिव वेक्टर बन गया, तो एक आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होने की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे आप ए क्रॉस ए को पहले बी और सी को प्लस कर लो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ए को, चाहे आप पहले ए क्रॉस बी निकालो और उसके बाद में ए क्रॉस सी निकाल के उसको ऐड कर दो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, कॉम्यूटेटिव नहीं होते। उसके बाद में बात करेंगे अगर परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं, तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ परपेंडिकुलर वैक्टर होने का मतलब दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ पे साइन थीटा, इसको आपने नहीं करना, ठीक है, दिस इज साइन थीटा, इसकी जगह पे आप लिख लो साइन थीटा, या यू कैन राइट इट एज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, आपने ये लिखना है, ठीक है। हैंस देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, तो क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। साइन ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, सो दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 पुट किया तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ही बचा, ठीक है। वहाँ पे ये जो कॉस थीटा है इसकी जगह पे चेंज कर लेना, यहाँ पे कॉस 90 नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे आपका साइन 90 डिग्री आएगा, साइन 90 डिग्री इज 1, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, जब कोलिनियर होंगे तो मैंने अभी बताया कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन के अंदर एक्ट करने वाले, सेम लाइन में एक्ट करेंगे तो थीटा 0 डिग्री, या पैरेलल वेक्टर की हम बात कर लेते हैं तो थीटा जब 0 हो गया साइन 0 0 होता तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा हो गया 180 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू -0, ओके। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कल हमने किया था कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल था, -1 के, और हम करते हैं कि साइन स्केयर थीटा जो होता है ना, दैट साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस स्केयर थीटा, ठीक है, कॉस स्केयर थीटा। अब कॉस की वैल्यू क्या, -1, कॉस स्केयर की वैल्यू क्या होगी, +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 -1, तो जो साइन 180 डिग्री है वो हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, तो पिछले में हमने इक्वल वेक्टर की जब बात की थी तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बट हेयर इक्वल वेक्टर यानी कि 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो ए वेक्टर डॉट ए, सॉरी यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 आएगा, यहाँ पे क्रॉस कर लेना, ठीक है, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, आज पता नहीं क्या हो रहा है। सो जब आप इसका क्रॉस करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, क्योंकि साइन 0 इज 0। आप पीडीएफ में देख लेना, मैं इसको करेक्ट करके पीडीएफ में डाल दूंगी, कमेंट्स जो बॉक्स है उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है ना आप मैथ्स के अंदर करोगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ओके, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी। फिजिक्स में इसका इतना नहीं है, जस्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वहीं पे यूज होती है। इसके अलावा अगर आपने इसको और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस अलग अलग होते हैं। जब आपको ऐसे स्केयर ब्रैकेट्स देखने को मिले और उसके अंदर कुछ नंबर्स ऐसे दिए हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसने सीधी लाइंस लगाई हुई हैं, अगर यही लाइन सीधी लाइन ना होकर ये ऐसे होती, ठीक है, इसके ऊपर स्केयर ब्रैकेट होता, पूरा पूरा स्केयर ब्रैकेट होता तो ये मैट्रिसेस बन जाती, मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है, बट स्केयर ब्रैकेट ना होने की वजह से ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ओके। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज कॉम्पैक्टली कनेक्टेड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट विच
फोर द थ्री क्रॉस थ्री केस एज ए कन्वीनियंट. हम यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं. अगर आप 2D की बात करना चाहते हो, आपको आई और जे एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन दिया, तो आप इसको छोड़ देना. यहाँ पे आप आई और जे दो को लेके आप अपनी जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो बना सकते हो, ठीक है. बट हम यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं क्योंकि दोबारा करना नहीं पड़ेगा, तो हमने जेड को भी साथ में इंक्लूड कर लिया. सो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर को आप क्या लिखोगे? देखो, पहली बात तो रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने आपको करवाए थे. रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप क्या लिख सकते हो? ए वैक्टर को लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ओके, ये लिख सकते हो. सिमिलरली यू कैन राइट बी वैक्टर एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. ओके, ए वैक्टर और बी वैक्टर की नोटेशंस मैंने आपको बता दी, बी वैक्टर को कैसे लिखना है और ए वैक्टर को कैसे लिखना है. अब आपने सबसे पहले करना क्या है, एक ऐसे लाइन से लगानी है जैसे हम मॉडल्स के लगाते हैं, उसके बीच में लिखना है आई कैप जे कैप के कैप. आई कैप के नीचे आप एक्स एक्स वाले लिखोगे यानी कि ए एक्स और बी एक्स, जे कैप के नीचे आप ए वाई बी वाई और के कैप के नीचे आप ए जेड बी जेड, दो चीज़ें लिखोगे, ठीक है. ये लिख दिया. अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई आपस में. सो कैसे करना है उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब ये लिख लिया, उसके बाद में आपने क्या करना, ऊपर एक साइन लगाने हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस, ये साइंस लगाने हैं, ठीक है. यहाँ पे जब आई प्लस का है ना, तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है वो हमारी प्लस की आएगी. आपने करना क्या, अब या इन वालों को मल्टीप्लाई करना है. आप इधर से चलोगे, आई इधर है ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई. अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ना, तब तो हम इन दोनों को माइनस ही करेंगे. यहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है, माइनस ही लगाना है आपने, ठीक है. इनको माइनस करना है, ए वाई बी जेड. ये जो प्लस माइनस प्लस मैंने लगाए, ये आपको आगे के साइन देंगे कि हमारी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी. सो ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई. अब मैं इसको एक नॉर्मली और भी बता देती हूँ, हम किसकी बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की. वाई से जेड अगर हम जाते हैं, पॉजिटिव है ना, y z आता है. जब हम ए बी सी लिखते हैं तो हमारे पास x y z आता है. सो y से z जा रहे हैं, ये तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है ना, x y z ही बोलते हैं हम. तो ये तो आ गया प्लस का, बट z से y है ना, यानी कि उल्टी ए बी सी. तो उल्टा जब भी होता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या आता है, माइनस. तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये फर्स्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं j कैप की. अब j कैप के आगे मैंने आपको यहाँ पे कराया प्लस माइनस प्लस, तो j कैप के आगे आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है. यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, ठीक है. इसको चेंज भी कर सकते हैं, इन्होंने चेंज किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने प्लस दिया हुआ है. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों दिया हुआ है. अब हमने जे कैप लेना है. एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आपने क्या करना है, हम आई कैप की बात कर रहे हैं ना, इस ऊपर वाले को भूल जो, ठीक है, और इसको भूल जो. अब ये जितना बच गया ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई. अब जेड से वाई आ रहे हो, उल्टा हो गया तो माइनस आ गया बीच में, ठीक है. अब बात करते हैं जे कैप की. जे कैप की जब हम बात करेंगे, तो ये जे कैप है यहाँ पे, ये क्या था, माइन प्लस माइनस प्लस. ओके, सो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एक तो माइनस. मैं बता देती हूँ इन्होंने क्या किया हुआ, नीचे प्लस क्यों लगाया, साथ में आ गया हमारा जे कैप. अब आपने ये वाली पूरी रो छोड़ देनी है, ये वाला पूरा कॉलम छोड़ देना है. आपने मल्टीप्लाई करना है इस वाले को इससे और इस वाले को इससे, ठीक है. ये मल्टीप्लाई करने हैं. अब देखो ए एक्स और बी जेड, ए एक्स बी जेड. अब देखो एक्स वाई जेड है, तो एक्स के बाद में जेड आ रहा है पॉजिटिव का, ठीक है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस ए जेड बी एक्स, माइनस ए जेड बी एक्स. अब जेड से एक्स पे जा रहे हो, फिर उल्टे चल रहे हो, तो माइनस का साइन आ गया. ये ब्रैकेट कर दी बंद. अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ, एक बाहर, तो माइनस एक बाहर पहले का पड़ा है, तो वो हो गया प्लस का. और ये क्या बनेगा, ए जेड बी एक्स आगे आ जाएगा और माइनस ए एक्स बी जेड पीछे चला जाएगा. यही किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, इसीलिए प्लस का लिखा हुआ है, ठीक है. बेसिकली नॉर्मली हम इसको माइनस का लेके चलते हैं. अगर आपने ये स्टेप नहीं करना जो मैंने बताया, आप वैसा करना चाहते हो, दैट इज माइनस जे कैप, उसके साथ हमारे पास आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर. उन्होंने सारा प्लस करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं के कैप की. सो के कैप में क्या होगा, ये के कैप ले रहे हैं, ऊपर प्लस का साइन था. इस पूरे को छोड़ दो, इस पूरे को छोड़ दो, हमने मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, यानी कि ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स. एक्स से वाई जाना है, एक्स टू वाई, पॉजिटिव का आएगा, एक्स वाई जेड होता है, सीधा चल रहे ना ए बी सी में,
जब भी आप उल्टे हो जाओगे तो माइनस का साइन लगा देना। ए वाई बी एक्स, वाई से एक्स में जा रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन होगी तो साथ में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो ये हमारा बन गया यहाँ से ये वाली जो फॉर्मेट है वो। बस ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से बनाना सीख लो, बस यही चीज़ जो है वो आपने यूज़ करनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद में ये थोड़ा सा ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये होती है मैट्रिक्स, इसके अंदर आपको तीन चार ऐसे रोज एंड कॉलम्स दिए होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये है, ये होती है रोज़, हमारी मैट्रिक्स की रोज़, ये रोज़ हैं, ठीक है, ये रोज़ हैं। उसके अलावा ये जो बच गए दैट आर कॉलम्स, ओके, वन टू थ्री कॉलम्स होते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका ही भाई होता है, पर इसके ये जो हाथ होते हैं ना, इस ठाकुर के हाथ काट दिए, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सो ये मान लो ठाकुर है तो ये गब्बर है, इसके नहीं, ये गब्बर है, ये ठाकुर था, या आप सोच लो हाथ कटने से पहले वाला ये ठाकुर और ये हाथ कटने के बाद वाला ठाकुर है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो इसने हाथ के दे दिए तो इसके बाद में ये ऐसा हो गया बिना हाथों वाला, ठीक है, सो इसके हाथ पैर नहीं है, बस यही चीज़ आपने चेंज करनी है, ठीक है, ठाकुर और गब्बर से समझ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं आई जे और के कंसेप्ट के बारे में। अब वेक्टर्स की तो हमने बात कर ली, यूनिट वेक्टर्स रह गए, तो यूनिट वेक्टर्स आपने कैसे लेने हैं, हमने पिछले में किया कंपैरिजन, मैं आपको करके बता देती हूँ। आई डॉट आई इक्वल टू वन था, जे डॉट जे इक्वल टू वन था, और के डॉट के इक्वल टू वन था। बाकी जो थे हमारे उल्टे जो आ रहे थे, दैट इज़ आई जे, जे के और के आई, ये सारे हम क्या करते थे, ज़ीरो लेके चलते थे, यानी स्केलर प्रोडक्ट है तो सेम सेम वाले हमारे क्या थे, वन थे और बाकी ज़ीरो आ जाते हैं। अब बात करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट की, तो पहला हम बात करेंगे डॉट नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। सो आपने सबसे पहले एक प्लस का साइन लगाना है, एक सर्कल बनाना है, उसके बाद में आपने ना क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मान लो ये आपकी घड़ी है तो घड़ी ऐसे चलती है, आपने ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे। सो यहाँ पे आप सबसे पहले मल्टीप्लाई का निशान लगा लो, ये सब मल्टीप्लाई के निशान लगा लो एरो के ऊपर, तो आई क्रॉस जे, ठीक है, किसके इक्वल होगा, उससे आगे वाले के। सो फर्स्ट फिगर आपकी बनेगी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, ठीक है, हमने ऐसे मूव करना है, आई से जे तो आंसर इक्वल टू के, आई इंटू जे मल्टीप्लाई का निशान लगा लो इज इक्वल टू के, फर्स्ट बन गया। सेकेंड फिगर आपकी कैसे बनेगी, जब हमने दूसरा करना है तो यहाँ पे आई है, ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई, ये रहा जे, मल्टीप्लाई आपने लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज एक बार के लिए मल्टीप्लाई को रहने दो, ये लगाई एरो, आई से जे पे जाना है और जे को के से करेंगे मल्टीप्लाई, जे को के से करेंगे तो उसके आगे क्या आता है, आई आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आई आएगा, जे मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू आई, वैसे ही के मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू जे। बट अब ना ये उल्टा हो जाएगा कि अब यहाँ से यहाँ जाओगे ना तब उल्टा हो जाएगा, हमने आई जे के मूव करना है, अगर आप के फिर जे और फिर आप आई मूव करते हो ना तो आपका प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, यानी कि इफ़ यू राइट के कैप क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप, ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो ना उल्टा कर दोगे ना, तो अभी बताया ना कि कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, अगर आप आई क्रॉस जे ले रहे हो और उसको ही आप जे क्रॉस आई बनाओगे तो कॉम्यूटेटिव ला जो है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर माइनस के कैप आएगा, वही अगर आप बात के क्रॉस जे की करोगे तो आपका आंसर माइनस आई आएगा, वहीं पर बात अगर आप आई क्रॉस के की करोगे एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो एक माइनस का साइन आगे लगा लेना, बाकी आंसर सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, सेम सेम वाले ज़ीरो हो जाते हैं, यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एंगल ही ज़ीरो बन रहा है और एंगल साइन लेके चल रहे हैं, साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, इसके बीच का अगर मैं एंगल हटाऊं तो आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ज़ीरो बन रहा है, सेम सेम है ना, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो ना, ठीक है। वैसे ही जे क्रॉस जे लोगे तो भी ज़ीरो आएगा और के क्रॉस के लोगे तो भी आपका क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के टॉपिक की, ख़त्म, ठीक है। ये था क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक चीज़ ध्यान रखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक न्यूमेरिकल 100% श्योर है 3 और 4 मार्क्स के अंदर। इसके अलावा छोटे छोटे फॉर्मूलाज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज
टू टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो करेंगे, उसके अंदर मैं आपको जस्ट करवाऊंगी दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद में हम बढ़ेंगे इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, सो वो मैं बताऊंगी, ठीक है। उसी के साथ हमारा वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने मेन कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे दैट इज मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। जैसे मोशन इन अ लाइन में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस किए थे, वैसे ही जो ये वाला है इसके अंदर ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो आज के लिए ये इतना ही। ये जो पीडीएफ के नोट है मैं थोड़े से एडिट करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप अपना इनको डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंसेस के साथ, एंड उससे नेक्स्ट में हम मिलेंगे, डिफरेंस वाला वैसे अभी आज मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स यानी कि इसके कुछ क्वेश्चन के साथ। कुछ आपको मैं प्रॉब्लम प्रोवाइड करवाऊंगी, कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, सो बने रहिए नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना।